हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर वन मिश्रा कोचिंग सेंटर अभिषेक सर में। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद BTC का प्रश्नावली 2.3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इसका थ्योरी है यदि px एवं gx दो बहुपद हैं जहां gx का मान 0 के बराबर नहीं, तो हम qx एवं rx ऐसे दो बहुपद प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुना qx प्लस rx, जहां rx बराबर 0 और rx की घात छोटा होगा gx की घात से। यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। आप जो यह फॉर्मूला देख रहे हैं, ये बहुत ही जाना पहचाना फॉर्मूला है, मतलब px बराबर gx गुना qx जोड़ rx। px को भाज्य कहा जाता है, बराबर हो गया, gx को भाजक कहा जाता है, गुना qx को भागफल कहा जाता है, जोड़ rx को शेषफल कहा जाता है। यह सूत्र हो गया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब इसके बाद हम लोग BTC के प्रश्नावली 2.3 के कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे।
देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पी एक्स को जी एक्स से भाग दें और क्यू एक्स एवं आर एक्स प्राप्त करें। तो पी एक्स का मान दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स माइनस तीन। जी एक्स का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू। यानी पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, भागफल और शेषफल प्राप्त करना है। तो ध्यान से देखिए और शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, ताकि बहुपदों का विभाजन आसानी से सीखने में सहायता मिले। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू से भाग देंगे एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स माइनस तीन में। बहुपदों के विभाजन का पहला नियम यह है कि भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं और प्राप्त भागफल को भाजक के प्रत्येक पद से गुणा करके भाज्य के पदों के नीचे लिखते हैं और सजातीय पदों का जोड़ घटाव किया जाता है। तो यहाँ पे भाज्य का पहला पद है एक्स क्यूब और भाजक का पहला पद है एक्स स्क्वायर, बटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स का पावर तीन का मतलब एक्स गुना एक्स बटा एक्स का पावर दो का मतलब एक्स गुना एक्स। एगो एक्स से एगो एक्स कट गया और दूसरा एक्स से दूसरा एक्स कट गया, बचेगा एक्स, तो भागफल हो गया एक्स, यानी भागफल के स्थान पर एक्स लिख देंगे। अब इस एक्स का गुना इन दोनों पदों के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यू होगा, तो एक्स क्यू के नीचे लिखेंगे। माइनस है तो माइनस दो का गुना एक्स से करेंगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। अब चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलने का मतलब है जब घटाव किया जाता है तो बहुपदों का चिन्ह बदल जाता है। तो जो प्लस में होगा वह हो जाएगा माइनस में और जो माइनस में होगा वह हो जाएगा प्लस में। एक्स क्यू और एक्स क्यू यह सजातीय पद है तो यह एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया। टू एक्स और पांच एक्स यह सजातीय पद है, थ्री एक्स स्क्वायर नहीं है तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर को लिख देंगे। पांच एक्स और प्लस दो एक्स जुटेगा तो हो जाएगा सात एक्स और ऊपर से एक पद उतार देंगे माइनस तीन। फिर वही प्रक्रिया होगा कि भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे। तो देखिए यह भाज्य का पहला पद यहाँ पे हो रहा है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर में भाग देंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, माइनस तीन बचेगा तो यह भागफल हो गया माइनस तीन। अब इस माइनस तीन से इन दोनों पदों में गुना करके लिखेंगे तो माइनस तीन गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो दो तिया हो जाएगा छ। अब देखिए फिर चिन्ह बदलेगा, यह माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा और यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यह सजातीय पद से सजातीय पद खत्म हो जाएगा, बचेगा सात एक्स और माइनस छ और माइनस तीन जुट जाएगा तो हो जाएगा माइनस नौ। तो भागफल हो गया एक्स माइनस तीन, तो लिखेंगे क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस तीन, और शेषफल हो गया
यानी आर एक्स बराबर लिखेंगे 7x-9। अब देखिए इसके बाद एक और प्रश्न है, इसका 3 नंबर। तीन नंबर प्रश्न है, दिया है px, तो px का मान दिया है x^4 -5x+6 और gx का मान दिया है 2-x²। या इसको ऐसे लिख सकते हैं -x²+2, ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे इसमें भाग देंगे तो -x²+2 से भाग देंगे x^4 -5x+6 में। तो देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन बना है उसमें थ्योरी बताया गया है, ठीक उसी के अनुसार भाज्य के पहला पद में भाजक के पहला पद से भाग देंगे, यानी x^4 में -x^2 से भाग देंगे। तो x^4 का मतलब x गुना x गुना x गुना x और बटा में -x गुना x। एगो एक से एगो एक्स कट जाएगा, दूसरा एक्स से दूसरा एक्स कट जाएगा, बचेगा x²। अब चिन्ह तो माइनस और इसका चिन्ह है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस यानी माइनस हो जाएगा, यानी भागफल हो जाएगा -x². अब इन दोनों पदों से भागफल में गुना करके इन पदों के नीचे लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x²में x से गुना करेंगे तो x^4 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 2 गुना x² यानी 2x². फिर अब चिन्ह बदलेगा तो यह प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, x^5 से x^4 कट गया। अब देखिए यह बड़ा घात वाला पद है यानी प्लस में है तो लिखेंगे 2x², उसके बाद -5x लिखेंगे, उसके बाद +6 लिखेंगे। फिर भाज्य का पहला पद है 2x² और भाजक का पहला पद है -x²। x² से x कट जाएगा, बचेगा 2 और माइनस प्लस माइनस यानी -2, तो भागफल होगा -2। अब इस -2 से इन दोनों पदों में गुना करके भाज्य के नीचे लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस x²में 2 से गुना करेंगे 2x² और फिर प्लस माइनस माइनस 2 दुना 4। चिन्ह बदलेगा तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा या माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, 2x² कट जाएगा, बचेगा -5x और 6 प्लस में है और 4 भी प्लस में हुआ है तो दोनों जुट जाएगा तो +10 हो जाएगा। तो भागफल यहाँ पे qx का मान हो गया -x²-2 और rx का मान हो गया -5x+10, यह आंसर हो गया। अब देखिए अब आइए प्रश्न दो में। तो प्रश्न दो के लिए थ्योरी यह है कि यदि px को gx से भाग देने पर rx यानी शेषफल 0 हो जाए, मतलब शेषफल का मान 0 हो जाए, तब gx px का एक गुणनखंड है। जब शेषफल 0 हो जाए तब ही भाजक भाज्य का गुणनखंड होता है। तो यही हम लोग प्रश्न का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है,
इसका देखिए आपके सामने प्रश्न दिया गया है, px का मान दिया है 2t⁴ + 3t⁴ − 2t⁴ − 9t − 12 और gx का मान दिया है t⁴ − t, यानी gx से px में भाग देना है। तो t⁴ − 3 से भाग देंगे 2t⁴ + 3t⁴ − 2t⁴ − 9t − 12 में। भाज्य का प्रथम पद है 2t⁴ और भाजक का प्रथम पद है t⁴, यानी 2t × t × t × t, मतलब 4 बार गुना और बटा 2 बार गुना। तो 2t से 2t खत्म हो गया, बच गया 2t² यानी भागफल हो गया 2t². अब इस 2t² से गुना करेंगे भाजक के सभी पदों में एक एक करके, तो t² × 2t² हो जाएगा 2t⁴। माइनस और प्लस, माइनस होता है 3×6t² फिर चिन्ह बदलेगा तो यह हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा या माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। यह पहला पद खत्म हो गया। अब देखिए अधिघात वाला है 3t³ है, आई प्लस में 6t² है या −2t² है, 6 में से घटेगा 2 तो 4 हो जाएगा, तो +4t² − 9t − 12। फिर इसका पहला पद है 3t³, इसमें भाग देंगे भाजक के पहला पद t² से, यानी 3t × t × t / t × t, 2t से 2t कट गया, बच गया 3t, भागफल हो गया इसका +3t। अब 3t से इन दोनों पदों में गुना करेंगे, तो t² में 3t से गुना करेंगे तो 3t³, और माइनस प्लस हो जाएगा, −3t × 9t हो जाएगा। फिर चिन्ह बदलेगा तो यह प्लस में है तो माइनस हो जाएगा या माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। यह इससे कट गया, 9t से 9t खत्म हो गया, बच गया 4t² − 12। अब देखिए इसका पहला पद देख लीजिए, 4t² है और बटा में इसका पहला पद देख लीजिए t² है, तो t² से भाग देंगे तो t² से t² खत्म हो जाएगा, बचेगा 4, भागफल हो जाएगा +4। अब इस 4 से गुना करेंगे t² में तो 4t² हो जाएगा, फिर माइनस प्लस, −12 हो जाएगा, फिर चिन्ह बदलेगा तो यह माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, यह पद इससे कट जाएगा और 12 से 12 कट जाएगा, बचेगा 0। तो देखिए यहाँ पे शेषफल 0 हो गया। तो हमने क्या बताया है कि px को gx से भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ जाता है तब gx px का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि rx का मान 0 हो गया इसलिए gx यानी t²-3 px का एक गुणनखंड है, और इसके आधार पर इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं आवे तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल पर विजिट करने के लिए। थैंक यू।